अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज लेकर आए हैं चाय की रेसिपी। कड़क चाय अदरक और इलायची की बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और जैसे ठंड करीब है, चाय बनाने के बहुत ही तलब करता है। आप एक स्टेप भी अलग करेंगे तो चाय का टेस्ट अलग हो जाता है। ये देखिए, एक कप बड़ा कप पानी हम डाल दिए हैं। पहले उसको बॉयल के लिए हम रख देंगे। ये देखिए हल्का हल्का बबल आ रहा है, तो इसका मतलब बॉयल के करीब है। फिर इसमें अदरक हम कूच के डालेंगे। अदरक उसको दब कूच लीजिएगा तो इसका रंग निकलता है। फिर इलायची डाले हैं, दो इलायची गई है। उसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे ये पानी में। देखिए पानी में बॉयल करने का मकसद ये है, अदरक और इलायची का ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत ही जल्दी देगा। आप दूध में पकाएंगे तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। और ये देखिए इलायची और अदरक पानी में पक रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर इसमें हम ये दूध ऐड किए हैं, डेढ़ कप हम ऐड किए। आप जिस कप से चाय बना रहे हैं उसी कप से दूध पानी मेजरमेंट करिएगा। और ये इसको डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसको, जब तक बॉयल ना आए इस दूध में। और इसमें कुछ मत डालिएगा भी। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनेगी। और वाकई आप इसी टाइप से बनाएंगे चाय, चाय एक बार पियेंगे तो वाकई आप एकदम बाहर की चाय ना एकदम कड़क चाय भूल जाएंगे। अब इसमें हम डाल दिए, अब शक्कर डाल दिए। शक्कर डालने के बाद दो चम्मच शक्कर डाले हैं। ये देखिए बॉयल हो रही है, शक्कर भी डालने के बाद इसको बॉयल होने दीजिएगा, फ़ौरन चाय पत्ती मत डालिएगा। ये देखिए अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उमदा चाय बनने वाली है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, और इस रेसिपी को बहुत वायरल करिए और इसको लोगों को बहुत फ़ायदा हो जो चाय पसंद करते हैं। अब इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, जो चाय पत्ती आप यूज़ करते हैं वो डालिएगा। चाय की पत्ती डालने के बाद इसको खूब अच्छे से पकाइएगा जब तक इसका अच्छा कलर ना छोड़ दे। ये देख रहे हैं धीरे धीरे चाय की पत्ती अपना कलर छोड़ेगी, और धीरे धीरे जब छोड़ती है तो फिर बहुत ही अच्छी चाय बनती है, बहुत ही लाजवाब बनेगी, बहुत ही कड़क अच्छी चाय। आप बाहर होटल रेस्टोरेंट में पीना एकदम छोड़ देंगे। घर पर आप जब अपने घर पर फैमिली फ्रेंड सबको जब चाय ये आप पिलाएंगे इस तरीके से बना के, वाकई आपकी चाय की तारीफ हर तरफ चर्चा होगी। कैसी चाय आपने बनाई, कैसी रेसिपी है, आप ज़रा हमको भी बताइए। और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिए मेरी चाय की रेसिपी से, और आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इस रेसिपी को आप बहुत से बहुत ज़्यादा आप इसको ट्रेंडिंग में लेके जाइए, और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इस रेसिपी को ये देख रहे हैं कलर बहुत ही ज़बरदस्त छोड़ चुकी है। अब जैसे पियेंगे आप तो वाओ कहेंगे क्या चाय बनी है। बस अभी अब हम निकाल लेंगे इस छलनी की मदद से। ये देख रहे हैं गरम गरम चाय, ये देखिए आप बाहर जो पीते हैं ना वो बिल्कुल नहीं पियेंगे। बहुत ही ज़रूर ट्राई करिए।